ये देख सकते हो आप कुत्तों की गैंग, पता नहीं मेरे को जाने देंगे कि नहीं। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी लंच टाइम हुआ है और अभी टाइम मिला, सुबह से टाइम भी नहीं मिला ब्लॉगिंग का, तो जस्ट अभी थोड़ा पूरा टाइम मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग कर ली जाए। तो जस्ट अब हम लंच करेंगे, तो लंच में देखते हैं हम लोग क्या क्या लंच लेके आए हैं। तो हम लंच करते हैं, तो जस्ट आए हैं रोटी हाँ। तो जस्ट अभी लंच टाइम और हम लंच करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार लेके आए हैं। ये देख सकते हैं अचार। तो जस्ट अब लंच आ चुका है, बस अब हम लंच करने वाले हैं। 75 years later दिवाली आने वाली है, और देखिए दिवाली का रश यहाँ पे कितना ज्यादा है क्राउड, और यहाँ पे पटाखों की दुकानें वगैरह भी लग चुकी है। तो अभी मैं लोड हालते में हूँ और क्राउड देख सकते हैं, मतलब यहाँ से चलने के लिए भी जगह नहीं है। और ये देख सकते हैं आप क्राउड और मेले की शॉपिंग देख सकते हो आप, सामान वगैरह लग चुके हैं, लाइटें दिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग सामान, तो आप यहाँ से ले सकते हो फूल मालाएं झूमर वगैरह बहुत सारी चीजें लग चुकी हैं, और आप मेले की शॉपिंग करना स्टार्ट कर सकते हो अभी से ही। Five minutes later. शाम हो चुकी है और बहुत थक चुके हैं, अब जा रहे हैं घर की ओर। और दिवाली को भी थोड़ा ही टाइम रहा है, जिसकी आज 19 होगी तो 24 को दिवाली है, बट यहाँ बच्चों ने ना अभी पटाखे वगैरह जलाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सभी को ही हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और मैं जस्ट रूम पहुंचने वाली हूँ, थकावट भी काफ़ी हो जाती है और मौसम भी ऐसा ही हो गया, देख सकते हो आप पीछे ठंडा ठंडा, कहीं धूप कहीं बर्फ भी पड़ चुकी है मनाली में, यहाँ से नहीं दिखेगा। जिस दिन हम मनाली गए थे ना, तो उस दिन वहाँ पे बर्फ दिख रही थी। तो ये देख सकते हो आप कुत्तों की गैंग, पता नहीं मेरे को जाने देंगे कि नहीं, कहीं बाइट ही ना कर दे, डर भी लग रहा है, पर स्वीट से है पता नहीं। भैया जाने दो, ये बिल्कुल अभी रेस्ट करने के मूड में है। बाय बाय बाय। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए लेके आते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।